हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी व्यंजन फ्रॉम मथुरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज मैं बेबी फूड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसको मैंने सूजी से बनाया है। सबसे पहले हम धीमी आंच पर सूजी को भूनेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार सूजी ले सकते हैं। ये फूड काफ़ी हेल्दी होता है। आप इसको 6 महीने से लेकर के 5 साल तक के बच्चे को दे सकते हैं। जो बच्चे पतले दुबले होते हैं वो बच्चे भी स्वस्थ हो जाते हैं और इस फूड को बनाना भी काफ़ी सरल है और फटाफट से 5 मिनट के अंदर बन जाता है। ध्यान रखना है, हमें लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर ही इसको भूनना है और लाइट ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब देखिए, हमारी सूजी का कलर बदल गया है, लाइट ब्राउन हो गई है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ और आप देख सकते हैं सूजी का कलर ये वाला आ जाना चाहिए। अब मैं सूजी को ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने के बाद हम बेबी के लिए फूड बनाएंगे और आप चाहें तो ठंडा होने के बाद आप इसको किसी कंटेनर में एयर टाइट डिब्बे में भर करके रख सकते हैं और जब आपको आवश्यकता हो आप निकाल करके बना सकते हैं। अब देखिए, मैं 1 चम्मच ले करके और इस तरीके से, और इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल करके लगातार धीमी आँच पर चलाएँगे और ये बहुत ही जल्दी 5 मिनट के अंदर फूल जाती है सूजी। और हम इसमें 1/4 चम्मच चीनी डालेंगे जिससे बच्चे का फूड टेस्टी बन जाए। और इस तरीके से ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजी तरीके से बन करके तैयार हो जाता है और आप उसको कंटेनर में भर करके रख सकते हैं और जब आपको आवश्यकता लगे इसी तरीके से बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हमारा बेबी फूड बन करके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। और हमें बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, हमें इसी तरीके का रखना है। अब मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। देखिए, हमारा फूड बन करके तैयार है। आप इस तरीके से फूड बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या मेरा मेथड अच्छा लगे बेबी फूड बनाने का, तो प्लीज़ औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आप इस तरीके से बना करके अपने बच्चे को खिला सकते हैं और आप भुनी हुई सूजी को एयर टाइट डिब्बे में भर करके रख सकते हैं और जब आपको आवश्यकता हो आप बना सकते हैं। ये फटाफट से 5 मिनट के अंदर बन करके तैयार हो जाता है। आप इस तरीके से बेबी फूड बनाइए, अपने बच्चे को खिलाइए, अपने अनुभव मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में शेयर कीजिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।